एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल रियल मोम और आज मैं आपके लिए एक और फोल्डर लेकर आई हूँ मेरी कुछ लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे एक दो फोल्डर शेयर करे थे पार्ट वन पार्ट टू उसी का कंटिन्यूएशन था अब हमने एक और फोल्डर बनाया है जिसमें कुछ चीज़ें पुराने कंसेप्ट हैं और कुछ मैंने इसमें चेंज करे हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो सो द फर्स्ट थिंग इन दिस फोल्डर इज़ ये फोल्डर का हमारा कवर है इस पर कुछ ऐस मैंने कवर नहीं लगाया हुआ है इसलिए मैंने इसको ओपन ही रखा था आप चाहो तो इस पर कोई बच्चे की फ़ोटो या कुछ यू नो कवर पेस्ट शीट्स चढ़ा सकते हो जैसे मैंने अपने लास्ट फोल्डर्स में करा था तो इसमें हमारी जो पहली चीज़ है वो है डेज़ ऑफ द वीक अब डेज़ ऑफ द वीक हमने सेम रखे हैं बट इसमें हम बच्चे को यू नो क्वेश्चन आंसर्स उसके साथ इंक्रीज कर सकते हैं कि वीकेंड्स किसे कहते हैं और डेज ऑफ द वीक किसे कहते हैं जैसे हमारे जो सैटरडे और संडे होते हैं दीज आर वीकेंड्स क्योंकि हम पहले वाले फोल्डर में सिर्फ बच्चे को मेमोराइज करा रहे थे अब इसमें आप उसको डिटेल में जा सकते हो कि यस्टरडे का मतलब क्या होता है टमोरो का मतलब क्या होता है कि इज़ द डे टुडे देन यू कैन आस व्हाट वज द डे डे एंड वॉट विल बी टुमरो सो इस टाइप से आप बच्चे को डिटेल में कंसेप्ट समझा सकते हो देन द मंथ्स ऑफ द ईयर अगेन हमारी सेम शीट है आप अच्छे से मंथ्स पूछ सकते हो कौन से चल रहे हैं जो मैं अब समझ के साथ करती हूँ कि आया आज कि विच मंथ इज गोइंग ऑन देन उसमें अगर किसी का बर्थडे आने वाला है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि विच हुज़ बर्थडे इज़ कमिंग मतलब जो हमारे क्लोज वंस होते हैं नियर एंड डियर वंस तो उस टाइप से बच्चे को कंसेप्ट पता चलता है कि मंथ्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते हैं थर्टी डेज ट्वेंटी एट डेज तो इस तरीके से हमें बच्चों को चीज़ों का मतलब समझाना है अब की वॉट मंथ्स मीन्स या कि वॉट डेज ऑफ द वीक मीन्स तो इस टाइप से आपको बच्चे को डिटेल में समझाना है देन अगेन हमारी जो सीजन्स की शीट है वो पुराने वाले में भी थी वही सेम चीज़ है कि विच सीजन इज़ गोइंग ऑन देन emotions की शीट मैं हमेशा अपने फोल्डर में रखती हूँ क्योंकि ये बड़ी क्यूट सी शीट लगती है और बच्चों को याद होता है कि कौन सा इमोशन है एंड देन हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चे से आप पूछते हो ना what mama इज़ फीलिंग और हाउ यू आर फीलिंग today तो पता चलता है कि बच्चे का एक्चुअली अपने अंदर से मूड कैसा है कि वो आपको हमेशा हैप्पी बताता है या घर में किसी और का करेक्टर है जो हमेशा आपको एंग्री ही बताएगा कि नहीं लाइक एक्स वाई जैड पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक इन एंग्री मूड तो उससे भी ना आपको कई बार बहुत चीज़ें आप देखोगे ऑब्जर्व करने को मिलती हैं सो दिस आई रियली लव दिस पेज देन ये वाला पेज मेरा सेम पेज है जो पुराने फोल्डर में भी था समर्थ के यहाँ कटआउट्स एंड स्पेलिंग्स के जो वो यहाँ पे लिखता है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेक करें अब इसमें हमने क्या करा है यहाँ पे हमने लोअर केस अल्फाबेट्स मैंने लिए हैं यहाँ पे मैं उसे सिर्फ फोनिक्स रीड करवाती हूँ लाइक ए ब का इस टाइप से मैं उसे फोनिक्स रीड कराती हूँ ए बी सी डी नहीं कराती हूँ ए बी सी डी क्योंकि वो बुक्स वगैरह बहुत पढ़ता है आजकल तो जब मैं उसको बुक्स रीड कराती हूँ तो किस हो जाते हैं एंड मोर ओवर जब वो मेरे साथ फ्री बैठा होता है तो हम ए बी सी डी का सॉन्ग गा लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उसको सीक्वेंस याद है या नहीं देन वोवल्स की शीट अगेन यहाँ पर है हाउ मैनी वोवल्स आदे या वॉवल्स की क्या साउंड होती है उसके बाद यहाँ पे जो हमारी नई शीट ऐड हुई है वो है वॉवल्स की यहाँ पे हमारे सी वी सी वर्ड्स हैं जैसे मैंने उसको ऐड सिखाया है तो ऐड वर्ड उसको रीड करना आता है तो अब हम उसको सी वी सी वर्ड सिखा रहे हैं जैसे म ऐट मैट ऐसे बच्चों को जो हम ब्लेंडिंग सिखाते हैं ना सी वी सी वर्ड्स की वो वाली मैं उसको अभी सिखा रही हूँ जैसे ऐप तो यहाँ पे पहले बच्चे को आप ऐप रीड करना सिखाओगे लाइक जैसे मैंने यहाँ पे वॉवल ए को लिया है जैसे मैंने यहाँ पे ए वॉवल लिया हुआ है तो ए से रिलेटेड मैं उसको वर्ड सिखा रही हूँ पहले मैंने उसको ऐप ऐप अब क ऐप कैप ऐसे जो बच्चों को हम रीडिंग सिखाते हैं तो ऐसे मैंने कटआउट्स बना लिए हैं और ये मैंने पूरा चार्ट ड्रॉ कर लिया है ये जो मेरा फोल्डर है ना बड़ा ईजिली आप घर पर खुद भी बना सकते हो इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है तो इस टाइप से मैंने उसको ये वाले मैं उसको सी वी सी वर्ड्स अभी सिखा रही हूँ अभी हम ए पे ही हैं क्योंकि ट्रस्ट कम ले रहा है तो मैं उसको फोर्स नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए देन यहाँ पे जो है हमारे साइट वर्ड्स हैं अब साइट वर्ड्स में क्या है आई एम एन जो भी हमारे साइट वर्ड्स हम उनको बोलते हैं जो हम बच्चों को हमें याद कराने होते हैं जिसमें कोई रीडिंग फंडा नहीं होता हम उनको याद करा देते हैं डायरेक्टली उसके बाद तो इसमें अब हम, हमने क्या करा है वो ना मैं उसको सिर्फ रीड करा रही थी लाइक like, आप रीड करो तो वो नहीं कर रहा था क्योंकि बच्चों के साथ भी ना हमें ट्राई करना पड़ता है तो मैं उसको रीड करा रही थी तो वो नहीं कर रहा था तो वॉट आई डिड आई मेड कटआउट्स मैंने ऐसे कुछ कटआउट्स बनाए जैसे आई है तो मैंने उसको बोला कि आपको मैच करना है सो तो उसने आई को आई पे रखा तब मैंने उसको बोला कि दिस इज़ आई उसके बाद जैसे एन अब ये बच्चे को कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप ब्लेंडिंग में भी सिखा सकते हो एन एन सो जैसे उसने यहाँ पे मैच कर दिया तो इस टाइप से मैंने कटआउट्स बना रखे हैं द तो द को दो पे मैच करना है उस टाइम बच्चा आपको वर्ड्स बोलेगा ऐसे नहीं बनाए हैं मैंने सारे कटआउट्स मैंने अभी सिर्फ एट कटआउट्स बना रखे हैं इन तो यहाँ पे इन पे इन इनको इन, इन पे इसको इस पे इट एट मैटर ऑफ चांस है कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें कुछ में ब्लेंडिंग हो रही है ऐट मैंने नहीं बनाया था और रह गया था और उसको ऐट आता है अब जैसे कुछ है जो उसमें वो पढ़ भी लेता है जैसे नो no वो पढ़ लेता है गो पढ़ लेता है ये मैंने साइट वर्ड्स का चार्ट इस तरह से बनाया है और ये मैं उसको बड़े आराम से करा रही हूँ मुझे कोई जल्दी नहीं क्योंकि वो कभी इसको पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ क्योंकि उसको रीडिंग में कम इंटरेस्ट आता है कि मम्मा आप पढ़ दो तो।, तो इस टाइप से हमारा रहता है उसके बाद और सो so, इसी टाइम में और चीज़ें क्या करती हूँ जो मैंने आपके कुछ कार्ड्स अपने रिव्यूज़ आपसे पहले भी शेयर करे थे ये मेरे पास कार्ड्स भी हैं ये मैंने अपने गेम रिव्यू में आपसे शेयर करा था तो मैं इस टाइप के मेरे पास कार्ड्स हैं तो जब मैं उसको ये कराती हूँ तो मैं से, उसके बाद इनमें से भी पूछती हूँ कि अच्छा व्हाट इज़ दिस नो अब जैसे नो है और यहाँ पे एक ऑन का भी कार्ड है तो उसमें उसको काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है वो नो को ऑन को सबको सेम पढ़ लेते हैं तो ये बच्चों को क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है इस टाइप से वही सेम मैंने एक वर्ड्स लिए हुए हैं जो मैं उसको ऊपर करा रही हूँ तो ये फ्लैश कार्ड से भी मैं उसको फिर रिवाइज कराती हूँ तो ये मैंने सब इसी के यू नो लीफलेट में ही रखा हुआ है उसके बाद काउंटिंग्स जो हमारी लास्ट में थी वो फिफ्टी तक थी जो लास्ट फोल्डर में थी अब हम हंड्रेड तक आ गए हैं बट अभी हंड्रेड तक मैं आपको बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसने याद कर लिया है मैं उसको अभी सिक्सटी तक की मैं उसके साथ गई हूँ क्योंकि फिफ्टी तक उसको बहुत अच्छे से याद है तो उसके बाद ना हमें फिफ्टी के बाद एकदम से हंड्रेड तक नहीं जाना चाहिए बच्चे को आप एक एक स्टैंड करके कराओ कि फिफ्टी बोला है तो फिफ्टी वन फिफ्टी टू इस टाइप से जब बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो उनको जब टेंथ की काउंटिंग याद हो जाती है तो वो अपने आप बीच का फिलअप कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे देने एक वर्कशीट है छोटी सी इन बिटवीन वाली यहाँ पे हमारे पास टेंस की काउंटिंग है टेन ट्वेंटी थर्टी हंड्रेड तक उसके बाद यहाँ पे मैंने नंबर इन वर्ड्स भी लिए हैं क्योंकि नंबर इन वर्ड्स जो होते हैं उनमें ब्लेंडिंग का कोई लॉजिक नहीं होता वन टू थ्री ये बच्चे को मगअप ही करने होते हैं क्योंकि इसको आप ब्लेंडिंग वाले वे में लोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन है आप इसको बस याद कर लो कि वन ऐसे लिखते हैं टू ऐसे लिखते हैं तो इस टाइप से मैं उसको रैंडमली रीड कराती रहती हूँ देन हमारी हिंदी की शीट हमारे साथ हमेशा रहती है हर फोल्डर में दोनों हैं ग का, आ उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्लॉक पे अब हमने उसको जैसे मेरे पास एक पहले पेपर की बुक है उसकी क्लॉक की जिससे वो काफ़ी टाइम से क्लॉक को देख रहा है उसको पता है उसमें एक क्लॉक बनी हुई है मैंने अपनी बुक के रिव्यू में भी शेयर करा था और उसमें प्रॉपर उसमें लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड है जो बच्चे को सेट करना होता है स्टोरी के हिसाब से तो यहाँ पे अब मैंने उसके लिए एक वर्कशीट बना दी है जिसमें मैंने दो कटआउट्स लिए हैं एक ब्लैक एक रेड तो ये मैंने उसको बताया कि लॉन्ग हेड है एक शॉर्ट हेड है, है तो अभी मैं उसको सिखा रही हूँ कि जैसे अगर वन ओ क्लॉक है तो लॉन्ग हेड हमेशा ट्वेल्व पे आएगा और शॉर्ट हैंड जो है हमारा वो वन पे आएगा तो इट्स वन ओ क्लॉक तो इस टाइप से मैं उसको टाइम बोलती हूँ तो वो सेट करता है कि थ्री ओ क्लॉक है फाइव ओ क्लॉक है जो भी तो ऐसे मैंने उसके लिए कट आउट बना के प्रिंट आउट निकाल रखा है उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्कशीट्स हैं जो हमारा जो वाइप एंड क्लीन का कंसेप्ट है जो मैंने आपको पुराने फोल्डर में भी बताया था वही यहाँ पे है अब जैसे यहाँ पे फोर ओ क्लॉक है तो यहाँ पे बच्चे को फोर ओ क्लॉक बनाना है तो वो लॉन्ग हैंड ऐसे ड्रॉ करेगा और शॉर्ट हैंड ऐसे तो इस टाइप से फोर ओ क्लाक बनाना है तो जब बच्चे को अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वो बड़े इजिली ड्रॉ कर लेंगे और वाइप एंड क्लीन है छोटा सा डस्टर है वाइप एंड क्लीन के लिए अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ मैच करना है यहाँ पे सिक्स ओ क्लाक हुआ है तो सिक्स ओ क्लाक को सिक्स ओ क्लाक से तो यहाँ पे बच्चे को टाइम रीड करना भी आ जाएगा कि सिक्स ओ क्लॉक है तो हम लिखते कैसे हैं तो ये चीज़ें हैं तो ये वर्कशीट्स ना आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मैं लिंक आपको मैंशन कर दूँगी कि तो बच्चे को टाइम लिखना है दिस इज़ वेरी ईजी अगर बच्चे को लिखना आता है जैसे फोर ओ क्लॉक है तो बच्चे को फोर ओ क्लॉक लिखना है यहाँ पे मैंने ना सिर्फ जो हमारे आर वाला टाइम होता है मैंने वही निकाला है क्योंकि अभी मैं उसको मिनट्स वगैरह अभी नहीं सिखा रही हूँ बच्चों के साथ धीरे धीरे चलना चाहिए पहले उनको स्टेप वन से सिखाना शुरू करें उसके बाद हमारा जो ला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टॉल एंड शॉर्ट अब टॉल एंड शॉर्ट में हमने क्या करा है एक तरीका तो होता है कि हम बच्चे को वैसे ही बता दें टॉल एंड शॉर्ट अपोजिट होते हैं पर यहाँ मैंने क्या करा है मैंने उसको टॉल एंड शॉर्ट के लिए वर्कशीट्स बनाई हैं उसकी जैसे यहाँ पे टॉल एंड शॉर्ट लिखा हुआ है देन मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं यहाँ पे जैसे जराफ है माउस है तो टॉल शॉर्ट यहाँ पे मेरी वर्कशीट जरूर ब्लैक एंड वाइट है बट ये एक्चुअली में कलर पी था बिल्डिंग हाउस शॉर्ट टॉल देन यहाँ पे ये मैन एंड बेबी शॉर्ट टॉल तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि बच्चे कंपैरिजन कर पाए ट्री एंड बुशेस हैं उसके बाद शिप एंड बोट तो ये थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए ताकि बच्चों को एक्चुअली में क्लियर हो कि टॉल एंड शॉर्ट का क्या कंसेप्ट होता है उसके बाद जो है वो है हमारी ट्रैफिक लाइट्स अब बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाना भी बहुत ज़रूरी है एक तो आप बच्चों को वैसे ही सिखा दो जब हम ऑन रोड जाते हैं ट्रैफिक रूल्स में वैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं बट सबसे मेन पहले ये होता है तो अब हमने इसके लिए ना मैंने कटआउट्स बनाए हैं रेड ग्रीन और येलो अब मैं लास्ट में ना आपको इसका भी एक बहुत इजी तरीका बताऊंगी कि ये सारे कटआउट्स मैंने कैसे बनाए हैं ये रेड है तो रेड हमारा स्टॉप पे आएगा देन इसको आप वेट या रेडी कुछ भी कह सकते हो ये येलो है एंड देन ग्रीन मीन्स गो तो इससे ना बच्चों को बहुत जल्दी याद होगा अगर आप उन्हें ऐसे कटआउट्स लगवा के सिखाओगे तो उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल्स और ये चीज़ें ना काफ़ी उसमें हेल्प करती हैं कभी आपको लाइंस ड्रॉ करानी है तो भी आप रेड ग्रीन डॉट्स लगा सकते हो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए तो इसमें लगाने का फ़ायदा इसलिए होता है एक तो होता है आपने वैसे याद करा दिया इसमें उनको एग्जैक्ट सीक्वेंस याद हो जाता है देन हम आ जाते हैं अपना सोलर सिस्टम पे अब यहाँ पे मेरे पास आ, पिक्चर वाली शीट नहीं है प्लैनेट्स की उसका रीज़न है कि मैं उसको पज़ल के थ्रू पढ़ाती हूँ जो मैंने अपनी वीडियो में शेयर करा था लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी इसलिए मेरे पास यहाँ पे ए फोर की मैंने कोई प्लैनेट्स की पिक्चर नहीं लगा रखी है बट अगर आपके पास कोई पज़ल नहीं है तो श्योर् आप इसमें इंस्टेड ऑफ दिस आप एक पिक्चर ऐड कर सकते हो जिसमें पूरा सोलर सिस्टम होता है गूगल पे बहुत पिक्चर्स हैं आराम से मिल जाएंगी यहाँ पे मैंने सिर्फ राइटिंग में लिखा हुआ है ताकि उसको याद हो जाए कि मरकरी वीनस अर्थ और यहाँ पे सन एंड मून एट प्लैनेट्स होते हैं सिर्फ़ एक टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है अदरवाइज़ हम सोलर सिस्टम पढ़ते सिर्फ पज़ल के थ्रू ही हैं उसके बाद हमारे फाइव सेंसेस कौन कौन से होते हैं अब फाइव सेंसेस में यहाँ पे नीचे कटआउट्स हैं पर मैंने वो नहीं यूज़ करे हैं मैंने लेमिनेटेड कटआउट्स यूज़ करे हैं तो यहाँ पे जैसे बच्चे को सेंस सिखाने से के लिए स्मेल किससे करते हैं नोज से तो बच्चा मैच करेगा सिंपल है टच हैंड से सी आईज हियर ईयर और टेस्ट टंग तो ये हमारे फाइव सेंसेस हैं तो इस टाइप से जब बच्चा आप उससे हर टाइम पूछोगे लाइक आईज तो व्हाट वी डू विद आर आईज वी सी सो इस टाइप से बच्चे को सेंसेस बहुत जल्दी याद हो जाएंगी क्योंकि जिस चीज़ में वो प्रैक्टिकली कुछ करते हैं इन्वॉलमेंट है उनका तो वो चीज़ उनको जल्दी याद होती है और उस टाइम आप उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी एक्ट कर सकते हो जैसे आइज़ है तो आप उनको अपनी आइज़ उनकी आइज को क्लोज करके बोलो कैन यू सी समथिंग नहीं ओपन यू आइज़ नाउ कैन यू सी मम्मा तो इस टाइप से भी आप उनको पढ़ा सकते हो देन उसके बाद यहाँ मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ वाला पेज क्योंकि पर्सनल डिटेल्स है मतलब मैं बता देती हूँ यहाँ पे हमने अपनी फैमिली का सबका नाम वाम लिखा है उसको हम नाम बताते हैं कि लाइक माय नेम इज़ लाइक योर मदर्स नेम इज़ डॉक्टर नंदनी योर पापाज़ नेम योर नेम योर ग्रैंड पेरेंट्स नेम उसके बाद यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर्स लिखे हैं फैमिली में मोबाइल नंबर्स आप कितने भी लिख सकते हो बस हमने मेन लिख लिए है मम्मा पापा दादी तो अभी उसको जैसे अपने पापा का फोन नंबर याद है देन मैंने अभी वो मेरा याद कर रहा है तो यहाँ पे मैंने कटआउट्स बनाए हैं तो यहाँ पे वो नंबर लिख के मुझे दिखाता है कि क्या नंबर है क्योंकि ये चीज़ें भी ना बच्चों को याद होनी चाहिए हम कई बार सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में रह जाते हैं बट बच्चों को अपनी पर्सनल डिटेल्स भी पता होनी चाहिए उसके बाद कॉन्टिनेंट्स है आई थिंक आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी कॉन्टिनेंट्स की शीट तब भी थी वही सेम है जैसे यूरोप एशिया है तो इस टाइप से है उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स लगा रखी हैं समर्थ के लिए वाइल्ड एनिमल्स एनिमल्स एंड बर्ड्स ये थोड़ा सा डिटेल बुक्स हैं जिनमें यू you नो know, नंबर ऑफ़ बर्ड्स या नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिटेल में है क्योंकि मैं हमेशा जैसे डेली उसके लिए कोई एक बुक हम लेके बैठ जाते हैं कि चलो आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि वाइट बर्ड कौन सा है किंग फिशर है और इसमें काफ़ी काफ़ी बर्ड्स हैं एंड देन इसमें क्या है यहाँ पे ना डिटेल्स भी दी हुई होती हैं ऐसी बुक्स में जैसे आप देख लो हमिंग बर्ड सो so, हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स ऑल्सो तो इसमें आप छोटी छोटी जो की पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों के साथ वो डिस्कस कर सकते हो कौन सा सबसे लाइटेस्ट बर्ड है कौन सा सबसे हैवी बर्ड है इस टाइप से तो ये बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गुड हैबिट्स हैं इसमें देन यहाँ पे नेशनल सिंबल्स हैं इंडिया के बारे में सारे नेशनल सिंबल्स हैं देन यहाँ मैंने फ्लैग्स लगा रखे हैं जो मेन मेन कंट्री हैं उनके फ्लैग्स में उसके साथ डिस्कस करती हूँ फ्लैग्स याद कराने का बहुत इजी तरीका है इंडिया का फ्लैग तो बच्चों को पता ही दैन चाइना श्रीलंका जैसे चाइना है तो इन विच कंट्री यू फाइंड पैंड चाइना सो दिस इज़ दैट चाइना फ्लैग इफ यू कैन रिलेट एंड टेल देम देन उसके बाद अगेन यहाँ पे एक बुक है मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया देन एक कंसेप्ट होता है बच्चे को सिखाने वाला डे एंड नाइट का तो यहाँ पे तो ये तो हमने ड्राइंग ही करी क्योंकि मैं उसको बता रही थी तो मैंने वही शीट लगा दी मैंने एक तरफ उससे ब्लैक कलर कराया एक तरफ ब्लू कलर क्योंकि डे टाइम में ब्लू होता है नाइट में फिर मैंने कुछ, कुछ, कुछ कटआउट्स बनाए एंड देन यू कैन आज तक गेट टू यू नो सॉर्टेड आउट ये बताओ आप स्टार्स आपको नाइट में दिखते हैं या डे में दिखते हैं वॉट यू सी इन नाइट एंड वॉट यू सी इन डे यहाँ पे बस नहीं थे नहीं तो आप आउल बैट जो भी नाइट के एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं वो लगा सकते हो वुल्फ जैसे एनिमल है वो रात को निकलता है तो वो लगा सकते हो तो ये बच्चे को आप वैसे बताने से अच्छा करिए करवाओगे एक्टिविटी तो उनको बड़ी जल्दी याद होगी उसके बाद यहाँ पे हमने एक अपोज़िट्स की शीट लगा रखी है कि किसके क्या अपोज़िट्स होते हैं देन उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं ये समझ अपनी बुक में से पढ़ता था तो उसको ये पेज अच्छा लगता है पढ़ना वो काफ़ी टाइम से पेज पढ़ता है तो इसलिए तो इसको मैंने बुक से टीयर करके यहाँ पे लगा दिया क्योंकि अब वो उस बुक से नहीं पढ़ता तो मैंने उसको इस फोल्डर में लगा दिया उसके साथ ही ये कुछ पोएम्स थी जो इसके साथ ही अब लगी हुई हो गई हैं दैट इज़ द लास्ट पेज तो ये था हमारा फोल्डर आई होप आपको पसंद आया होगा ज़रूर पसंद आया होगा एंड दिस फोल्डर इज़ लाइक वेरी ईजी इसको आप आराम से घर पर बना सकते हो बस आपको कुछ प्रिंट आउट निकाल लें लास्ट में अब आप मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट कटआउट्स बनाने का अगर आप इतने छोटे छोटे कटआउट्स नहीं बना सकते हो तो व्हाट यू हैव टू डू क्योंकि इतने छोटे आप कटआउट्स जाके लेमिनेट कराओगे दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर ऑफ नो यूज़ सो व्हाट यू डू यू टेक टू थ्री ए फोर शीट पेपर्स प्लेन लो आप और उनको आप करा लो लेमिनेट ठीक है उनको लेमिनेट कराने के बाद आप परमानेंट मार्कर्स ले लो तीन चार कलर के आजकल परमानेंट मार्कर्स का पूरा पैकेट आता है उसमें सारे कलर्स होते हैं ये मैंने सब परमानेंट मार्कर्स ही हैं परमानेंट मार्कर का एक पूरा पैकेट आता है उसमें सिक्स टू सेवन शेड्स होते हैं सो उससे क्या है उससे आपके सारे कटआउट्स बन जाएंगे जैसे यहाँ पर मैंने सब पे क्योंकि अगर आप लेमिनेटेड शीट पर ये वाला जो हमारा वाइट बोर्ड मार्कर होता है ये चलाओगे तो वो तो हट जाएगा तो इसलिए आपको यू हैव टू क्रियॉन्स पेंसिल कलर कुछ भी चलाओगे वो रब हो जाएगा तो इसलिए आपको परमानेंट मार्कर से लिखना होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने परमानेंट मार्कर से लिखे है सारे ये सब परमानेंट मार्कर से येलो मैंने परमानेंट में नहीं था तो मैंने ये उससे करा है तो इसलिए इतना लाइट हो गया नॉर्मल स्केच पेन से करा है तो यही सीक्रेट है कि मैंने सब चीज़ों के ऐसे ही बना रखे हैं मैं आप सो आई होप यू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट अगर आपको कुछ भी और डिटेल्स चाहिए हो फोल्डर्स से रिगार्डिंग तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और आपको अगर फोल्डर्स पसंद आ रहे हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और फोल्डर्स आपके लिए ज़रूर बनाऊँ थैंक यू स्टे सेफ स्टे होम बाय